मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान 9 मार्च 2019 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के साथ सीरीमंच पर 1008 कन्याओं के सामूहिक पूजन की गतिविधि को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 में शामिल किया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रबंधन ने ईमेल के जरिए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर को दी है। गौरतलब है कि इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शानदार काम के लिए मंडी जिला प्रशासन को इसी साल 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जिलावासियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन सहयोग से जन आंदोलन बनाने में सफलता मिली है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में मंडी का आना जिला वासियों समेत पूरे प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान पहली बार सीरीमंच पर 1008 कन्याओं का सामूहिक पूजन का कार्यक्रम कर पुरातन संस्कृति को बेटियों की सुरक्षा से जोड़ने की कवायद शुरू की गई। इसमें जन सहयोग से 4 से 10 वर्ष तक की आयु की बच्चों के पूजन के जरिए अपनी समृद्ध परंपराओं से संदेश ग्रहण कर बेटियों के महत्व को लेकर जन जागृति लाने और बेटा बेटी में भेद की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास किए गए। प्रशासन की इस पहल ने बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन और तारीफ बटोरी। इसके अलावा दशहरा उत्सव के मौके पर कन्या भ्रूण हत्या को रावण का प्रतीक मानकर इसका दहन करके बेटा बेटी में भेद की दरिद्र सोच को समाप्त करने का प्रभावी संदेश जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए गए। हमें सूचना मिली है कि जो हमने 9 मार्च 2019 को एक भव्य स्तर पर कन्या पूजन का शिवरात्रि के दौरान आयोजन किया था, उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए एक गर्व की भी बात है और एक सम्मान की भी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिला मंडी का नाम फिर से उस रिकॉर्ड बुक में आएगा, जिसमें कि उस कार्यक्रम में 1008 कन्याओं का पूजन सामूहिक पूजन सेरी मंच पे किया गया था और जिसमें बढ़ चढ़ कर मंडी वासियों ने इसका समर्थन किया था। ये एक इनिशिएटिव हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कन्याओं का महत्व दर्शाने का एक प्रयास था और जिसको अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। ये सभी मंडी वासियों के लिए एक प्रसन्नता की बात है। मैं सभी लोगों को इस अचीवमेंट के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो एक अभियान है जिसमें कि जिला मंडी बढ़ चढ़ कर इसमें कार्य कर रहा है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी इवेंट होता है उसमें इस थीम को इस आइडिया को आगे करते रहें, क्योंकि जो सेक्स रेशियो है उसमें अभी भी सुधार की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है और उस दिशा में लोगों की अभी तक मानसिकता पूरी तरीके से नहीं बदली है। तो अभी हमें प्रयास करना है, हर इवेंट को हम इसको यूज़ करते हैं, तो जाहिर तौर पे जैसे शिवरात्रि जैसा बड़ा इवेंट होगा तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ इस तरह से एक्टिविटी की जाए कि जितने भी हमारे पास ऑडियंस आते हैं शिवरात्रि के लिए उनको इस विषय के बारे में इसको जागरूक करें और बेटा बेटी में भेदभाव जो है उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।